प्रदेश सरकार ने पंचायतों में अथाह विकास करवाया है और पंचायत के कामों में पूरी तरह से पारदर्शिता के लिए पंचायत प्रधान काम करें। हमीरपुर के नादौन विधानसभा के बड़ोली बगौर में पंचवटी योजना के तहत भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री बीरेंद्र कंवर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए भी बेहतर काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में प्रदेश में कोई भी बेसहारा गौ सड़कों पर न घूमे, इसके लिए काम किया जाएगा। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के गांव बड़ोली बगौर में प्रदेश सरकार की पंचवटी योजना के तहत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। मंत्री वीरेंद्र कंवर का बड़ोली बगौर पहुँचने पर स्वागत किया गया और वीरेंद्र कंवर को पुष्प गुच्छ व भगवान कृष्ण का चित्र देकर भी सम्मानित किया। इस अवसर पर एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार भी मौजूद रहे। गांवों में गुणवत्ता, पंचायत के गांवों को काम जो है वो छोटे छोटे काम होते हैं, पूरी नजर लोगों की उसके ऊपर होती है। अन्य विभागों में क्या होता है मैं उसकी जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मेरे विभाग में पारदर्शिता आनी चाहिए। हम आने वाले समय में जहां हमने ऑडिट को भी ऑनलाइन कर रहे हैं, हमने जैसे ऐसे पंचायत घर बनाए प्रदेश के अंदर कि जहां मैंने कहा कि जहां जहां मैं जाता हूं लोगों में कंपटीशन चल गया कि बढ़िया पंचायत घर बनाने हैं, 20-20 लाख से, 25-25 लाख से। मैं तो कुटलैंड में ये कह रहा था कि आज मैं कह रहा था कि हम एक टीम के रूप में काम करेंगे, जिला परिषद से लेकर के अपना पंच से लेकर के मंत्री तक। मैंने कहा 2 वर्षों के अंदर कुटलैंड के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसकी गली कच्ची होगी या नाली कच्ची होगी, हम कच्ची सड़क कोई नहीं छोड़ेंगे, ये हमने कहा है। मुख्य अतिथि वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायतों में अथाह विकास करवाया है और पंचायत के कामों में आज बहुत गुणवत्ता है। उन्होंने कहा कि कामों में पूरी पारदर्शिता आनी चाहिए और आने वाले समय में पंचायतों के ऑडिट का ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कार्य में और पारदर्शिता होगी। उन्होंने कहा कि पंचायत में काम इस तरह से हो कि आने वाले 25 सालों तक दोबारा काम ना करवाना पड़े। 28 तारीख को, फरवरी को हमारे 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं गौ सेवा आयोग के, और हमने 2 वर्षों के अंदर जहां हमने गौ संरक्षण के ऊपर काम किया, गौ संवर्धन के ऊपर काम किया, ऐसा मॉडल कहीं नहीं था। हमने कहा कि बड़ी गौ सेंचुरीज भी बनाएंगे, छोटी गौशालाएं भी चलाएंगे, और अगर कोई छोटी गौशालाएं चलाएगा तो हम 500 रुपए की जो है वो सहायता जो है वो पर गाय जो है वो महीने की उनको देंगे। और आज जैसे ही हमने ये घोषणा की तो जो 11,500 गौशालों में गाय थी उसकी संख्या बढ़कर के अब 18,500 तक वो हो गई है। और 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हांडा कुंडे जो हमारी सोलन में गौशाला है, बड़ी गौ सेंचुरी बन रही है, और वहां पर उसका उद्घाटन करेंगे, तो साथ में सिरमौर और सोलन को जो है वो कैटल अपना स्ट्रे कैटल फ्री, यानी कि कोई बेसहारा गौवंश जो है वो अब उन 2 जिलों के अंदर सड़क पर नहीं होगा। आपके यहाँ पर हमीरपुर में भी बरोटी अपना इसमें बन रही है, खैरी में बन रही है, और साथ में लुथान में बन रही है। तो इन्होंने कहा है कि 13 मतलब बैसाखी के दिन तक ये भी 2 सेंचुरी जो है वो बन करके तैयार हो जाएंगी, और उसी तरह एक चंबा में बन करके तैयार हो जाएगी। वीरेंद्र कंवर ने नए चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि पंचायत में एक समान विकास करवाएं और पंचायत के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। इसके लिए चाहे बीपीएल चेयर हो या दूसरे कार्य, सभी के लिए पंचायत प्रधान को चाहिए कि ईमानदारी से काम करें। सरकार ने ग्राम सभा को ये पावर दी हुई है, प्रधान को दी है कि पंच परमेश्वर है। अगर परमेश्वर झूठ करेगा तो फिर कौन इसका बेदी वारिस होगा, गरीब आदमी का। मैंने कहा ये तय हमको करना है, और जो लोग ईमानदारी से बीपीएल का, गरीब व्यक्ति का चयन करते हैं, जिसका चयन नहीं होता वो कहता है मेरा बेशक नहीं हुआ, लेकिन जो लिया है वो भी वास्तव में गरीब है, उसका होना चाहिए। और अगर बेईमानी करोगे तो लोग उस प्रधान को दोबारा कभी भी वो बना करके जो है दोबारा नहीं लाते हैं। हम जो है वो ये जो चुनाव का जो खटास है इसको आज ही छोड़ दीजिए, ये करना है।
और उसे समाज के लिए जो है वो हमको करके जो है वो आगे बढ़ना है। बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी, बहुत सारे प्रलोभन भी आते हैं जीवन में, लेकिन इनसे हमको आगे निकलना है और उसके लिए हम सबको जो है वो काम करना है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पिछले दिनों एक गया, सभी प्रतिनिधियों ने मुझे कहा कि कुछ बीपीएल के जो आईआरडीपी में हम लेते हैं तो उनमें जो है वो कुछ संशोधन करिए, बड़ी मुश्किल हो गई है। मैंने उनसे पूछा, डिस्कशन में हम बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि कोई वार्ड मेंबर और प्रधान मुझे ये बताए कि आपसे अच्छा बेहतर कौन जान सकता है गांव के लोगों को, क्या आपको ये पता नहीं है कि गांव का गरीब आदमी कौन है? वार्ड मेंबर को पता नहीं, कैसे पता होता है? मैं कहा बोल क्यों नहीं पाते हैं आप क्यों भाई भतीजावाद करते हैं?